जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जावा में कि कैसे आप एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हो, कैसे करेंगे, कितने तरीके से कर सकते हो, एक एक तरीका बताऊंगा। बस वीडियो को देखते रहिएगा, आपका सारा डाउट स्ट्रिंग का क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कंपेरिजन वाला, ठीक है। तो चलो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करो ना, तो वो चीज़ आपके पास दो होनी चाहिए, क्योंकि दो से कम होगा तो आप कंपेयर कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे। स्ट्रिंग ए रेफरेंस वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ऑब्जेक्ट का नेम है लायन। मैंने जो लायन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसे रेफर कर रहा कौन, हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल ए। तो अगर आप इस तरह से जावा में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। आपको पता है दो तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, सेकेंड वाला भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अगर मान लो मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम ऐसे ही बना दूंगा, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स दूसरा होगा। तो देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है जिसका नेम है लाइन, लेकिन उसे रेफर करने वाले वेरिएबल दो है, एक है ए और सेकेंड है बी। तो चलो अब इन दोनों को हम कंपेयर करके आपको दिखाते हैं कि इनका रिजल्ट इक्वल आता है कि नॉट इक्वल। तो कंपेयर करने के लिए हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कंपेरिजन में प्रिंट कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट में, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका होगा मेरे हिसाब से। फिलहाल पहला तरीका कंपेयर करने का होता है इक्वल इक्वल कंपेरिजन ऑपरेटर। इसमें आपको क्या करना है, ए इक्वल इक्वल बी लिखना है। तो अगर दोनों बराबर होगा तो आपको क्या मैसेज मिलना चाहिए, आप हमारा आउटपुट गेस करिए। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर दोनों बराबर होगा तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू है, और मान लो ये दोनों बराबर नहीं होता, इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे एल्स में आएगा। एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन फॉल्स। इसका रिजल्ट दिखाते हैं फिर समझाते हैं हो क्या रहा है इसमें। सबसे पहले डेस्कटॉप लोकेशन पे मैं अपने प्रोग्राम को सेव करने जा रहा हूँ। अभी कंपाइल करने के लिए मैंने एंटर मारा, देखिए कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए ये देखो ट्रू रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। तो ये जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है ना, ये ना इस वाले कंडीशन में आपका सिर्फ ना कंटेंट देख रहा, ऑब्जेक्ट देख रहा, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम है, रेफर कर रहे अलग अलग वेरिएबल, तो इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट से मतलब है, दोनों सेम मिला बोल दिया ट्रू है। अब मान लो मैं एक को कर देता हूँ कैपिटल, ये मैंने कर दिया। अब आप बताइए क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फिर फॉल्स आना चाहिए। चलो दिखाते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अभी देखो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आया। फॉल्स आने का कारण क्या है, ASCII वैल्यू से ये डेटा को कंपेयर कर रहा। इसका ASCII वैल्यू ना स्मॉल लेटर का 32 ज्यादा होता है, कैपिटल लेटर का 32 कम होता है, तो यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो कंटेंट देखा, कंटेंट मिसमैच हो गया, फॉल्स बोल दिया इसने। अभी एक और तरीका क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं सेकेंड वाले अपने रेफरेंस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट टाइगर कर दिया, तो अभी इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आप बताओ मुझे। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो देखो जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाते हो स्ट्रिंग का, और मान लो यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के लिए ना अलग अलग स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर मेमोरी मिलेगा। और मान लो दोनों में सेम ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पे भी लायन है, यहाँ पे भी लायन है, तो एक ही इसी को जो भी मेमोरी बनेगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में, उसी को इसके साथ भी JVM शेयर करवा देगा। तो ये हो गया पहला तरीका इक्वल इक्वल से। इसमें एक और कंडीशन आप लगा सकते हो, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाने का स्ट्रिंग में तरीका क्या होता है, न्यू कीवर्ड आपको लिखना होगा स्ट्रिंग। अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट बना देता हूँ लायन नाम का, तो अभी आप बताइए क्या रिजल्ट आना चाहिए। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने, ये हमने न्यू कीवर्ड से बनाया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ये देखो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आया है। इस केस में क्या हो रहा,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये इक्वल इक्वल सिर्फ कंटेंट देखता है, लाइन मिला मतलब इक्वल बोल देगा। लेकिन अभी हमने एक का ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग लिटरल से और एक का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड से, जबकि ऑब्जेक्ट सेम है, लाइन यहाँ पे भी है, लाइन यहाँ पे भी है। लेकिन जब अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, तो ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल देखता है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाले वेरिएबल सेम है। अगर नहीं है तो मिसमैच हो गया तो ये बोल दिया फॉल्स, और अगर अगर यहाँ पे आप सेम लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो आपको कंपाइलर एरर बोल देगा कि आप एक वेरिएबल को दो दो बार नहीं कर सकते। तो ये इक्वल इक्वल ना किसी किसी कंडीशन में आपके कंटेंट को देखेगा, जब आप लिटरल से ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके ऑब्जेक्ट को देखेगा, और अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके रेफरेंस वेरिएबल को देखेगा। अभी सेकेंड टाइप क्या होता है स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, वो होता है इक्वल्स मेथड। मान लो मुझे स्ट्रिंग बी को कंपेयर करना है ए से, तो मैं ए डॉट लिखूंगा, यहाँ पे हमारे मेथड का नेम क्या है, इक्वल्स, और इक्वल्स के अंदर हम बी लिखेंगे। इसका मतलब मैं अपने सेकेंड वाले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लाइन बी को फर्स्ट वाले स्ट्रिंग लिटरल वाले ऑब्जेक्ट लाइन से कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो इक्वल्स मेथड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्टेंट देखता है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, ये बोलेगा ट्रू है, मतलब बराबर है। दिखाता हूं आपको रिजल्ट, यहां पे देखो ट्रू आ गया। इसी सेम कंडीशन के लिए जब हमने इक्वल इक्वल यहां पे यूज करा था तो इसका रिजल्ट देखो फॉल्स आया था, लेकिन जब इक्वल्स मेथड यूज कर दिया है तो यहां पे रिजल्ट ट्रू आया है। तो इक्वल्स मेथड सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट देखता है, जबकि इक्वल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर अगर सेम टाइप से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट देखेगा, अगर अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो आपके रेफरेंस वेरिएबल से कंपेयर करता है। इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग तरीके से, वो क्या होगा, मान लो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ही बदल देते हैं, टाइगर रख दिया मैंने, अभी रिजल्ट क्या आएगा आप गेस करो, ठीक है, तब जाके इसके आउटपुट को देखना। यहाँ पे फॉल्स आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है लायन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ना इक्वल्स मेथड क्या देख रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स बोल दिया। इसमें अगर मान लो ये भी ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड से ही बना देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमारा मान लो लाइन, ऑब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन न्यू कीवर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना तो ये फॉल्स ही बोलेगा। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट देखेगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी आप टाइगर लिख देंगे ना, फिर भी ये क्या बोलेगा, अभी ये ट्रू बोलेगा, क्योंकि दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो ट्रू ही बोलेगा, ये देखो ट्रू बोल दिया। तो जब आप न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी बनेगा हीप मेमोरी में, ठीक है, और यहाँ पे टाइगर दोनों ऑब्जेक्ट का नेम सेम है तो एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों रेफर कर रहा। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही दो तरीके हैं स्ट्रिंग को कंपेयर करने का जो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली मेमोरी मैनेजमेंट से समझना है तो हमारे लास्ट वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने स्ट्रिंग का एक एक चीज क्लियर कर दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।